हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। तो मैं फिर से आ चुका एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ थॉर की ड्राइंग मैंने जो बनाई थी। और इसको बनाने में मुझे टोटल 3 या 4 आवर्स लगे थे, वो भी एक दिन में बना ली थी मैंने। और एक और चीज़ मैंने इसमें की थी, वो क्या है वो आप लोगों को बताता हूँ। मैंने कुछ नए अपने आपको थोड़ा अपडेट किया है और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती हैं, ज़्यादातर रियलिस्टिक ड्राइंग में और हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग में। वो होता है हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स की चीज़ें तो बहुत सही होती हैं, लेकिन बहुत काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, मतलब हम लोग को बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। तो उनमें से एक आता है ये निडेबल इरेजर। तो ये होममेड निडेबल इरेजर है। तो मैं वीडियो डाल दूंगा कि हम लोग कैसे बना पाए निडेबल इरेजर एट होम। और ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोगों को पेंसिल में, मैकेनिकल पेंसिल में पीछे आप लोगों को रबर मिलती है, वही मैंने निकाल ली है। मोनोजियो इरेजर जैसा काम करती है ये। और इसको मैं हाईलाइट्स के लिए यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे नोज़ में आप लोग देख सकते हैं हाईलाइट में यूज़ किया था। और ये निडेबल इरेजर को तो मैं इससे पतला कर लेता हूँ, इस तरह करके पतला करके आईज़ में इससे थोड़े मैंने किया था, ताकि थोड़ा लाइट और थोड़ा रियलिस्टिक लगे आईज़। और अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैंने कौन कौन सी पेंसिल यूज़ की थी इसमें, और ब्लेंडिंग के लिए क्या क्या यूज़ किया था वो सब मैं आप लोगों को बताता हूँ। और सबसे पहले मैंने यूज़ किया था ब्लेंडिंग स्टम। जो ये ब्लेंडिंग स्टम, ये भी मैंने होममेड बनाया है, ये मैंने ब्लेंडिंग स्टम यूज़ किया था इसको पूरा ब्लेंड करने में, और थोड़ा इधर करने के लिए मैंने ये सब पेंसिल यूज़ की थी। और मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कौन कौन सी पेंसिल मैंने यूज़ की थी। तो गाइस, मैंने ये वाली पेंसिल सब खोल ली, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की थी। तो सबसे पहले हम लोग आईब्रोज से स्टार्ट करते हैं। तो आईब्रोज में मैंने 4B पेंसिल यूज़ की थी, 4B और थोड़ा 2B यूज़ की थी। और इस वाली आईब्रोज में भी सेम वही किया था, यहाँ जो थोड़ा डार्क आईब्रोज है और शेडो इस तरफ से पड़ी है, तो इस साइड शेडो मतलब लाइट इस तरफ से पड़ी है तो शेडो इस साइड बच रही है, तो कुछ इस टाइप का मैंने बनाया था। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने बियर्ड में और मूस्टैच में क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी। तो मूस्टैच में भी मैंने 4B पेंसिल यूज़ की थी, आप लोग देख सकते हैं, पर ये अब नाम मिट चुका है, लेकिन ये 4B पेंसिल ही है। और इसको मैंने यूज़ किया था एकदम शार्प करके, ताकि एकदम अच्छे एकदम शार्प मतलब हेयर बने इसमें। और हेयर्स के लिए मैंने यूज़ किया था 6B पेंसिल और 2B पेंसिल। जो लाइट हेयर्स है यहाँ पे 2B पेंसिल, और ये थोड़ा डार्क जहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो डार्क हेयर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैंने 4B यूज़ किया था। और ईयर्स के लिए मैंने 4B और HB यूज़ की थी। और इस वाले जो ईयर है इसमें फुल मैंने HB पेंसिल यूज़ की थी। और जो हम लोगों का नेक आता है वहाँ पे मैंने HB पेंसिल और 4B पेंसिल यूज़ की थी, मतलब 4B और HB पेंसिल और 2B पेंसिल मेन थिंग्स हैं इसमें जो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किए। और जैकेट में मैंने 6B पेंसिल और लाइट करने के लिए मैंने ये मोनोजियो रेजर लिया था, इसे मोनोजियो रेजर कह सकते हैं, मैंने इस तरह लाइट किया था, इस तरह करके इस तरह हो जाता है लाइट। और निडेबल इरेजर भी कई जगह यूज़ किया था, जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा डिज़ाइनिंग टाइप का लुक देना था मुझे, तो यहाँ पर मैंने इसको पहले पतला कर लिया इस तरह, फिर इस तरह थोड़ा कर दिया। और अभी मैंने इसमें बन्नी चढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, तो ये गंदी नहीं होगी, इसका कोई टेंशन नहीं है। और आप लोगों को एकदम पास से आईज दिखाता हूँ, ये वाली भी
ये सब पेंसिल यूज़ करके और ये सब मटेरियल्स ब्लेंडिंग के लिए और हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करके मेरी ये वाली ड्राइंग बन गई थॉर की। तो ये मेरे एक दोस्त ने कहा था मुझे बनाने के लिए, उसका फेवरेट हीरो है, तो मैंने उसकी वजह से बनाई थी। तो उसी के कहने में मैंने बनाई थी ये वाली ड्राइंग और बना भी दी, फिर वो खुश हो गया एकदम। आप लोगों को एक बार मैं एक और चीज़ आप लोगों को एकदम पास से दिखाता हूँ, आप लोग लिप्स को देखिए, लिप्स जो लिप्स हैं वो कितने ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं, और मैंने हाईलाइट बहुत अच्छा दिया है लिप्स में, जैसे यहाँ पे ऊपर, वैसे यहाँ पे तो इतना लिप्स है लेकिन ऊपर स्किन का टेक्सचर है, और स्किन भी आप लोग देख सकते हैं जो चीक्स में, चीन में तो दाढ़ी है, और जो रिंकल्स आप लोग देख सकते हैं हेड में, वो भी कितने ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो कोट है ये भी मैंने इस साइड का मैंने पूरा 6B से बनाया था, 4B से बनाया था ये वाला, क्योंकि ये वाला थोड़ा लाइट बनाना था, लाइट इस तरफ से पड़ रही है और इस तरफ थोड़ा डार्क बनाना था मुझे, और ये नीचे जो शेडो सी पड़ रही है आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने 2B पेंसिल से बना लिया था। और हाइलाइट्स के लिए मैंने इनेडेबल इरेजर सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, तो यही सब चीज़ें हैं जिनसे मैंने बना ली ये वाली ड्राइंग, और एक दिन लगा इसे बनाने में, बस ओनली वन डे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि ड्राइंग कैसी लगी। मैं अपने चैनल में ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ, और बहुत जल्द हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी की सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो उसको देखना मत भूलना। और तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय 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 बाय।